इधर नए साल के नजदीक आते से ही धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। जी हां, बाबा महाकाल के मंदिर में दूर दराज से आए धर्मालुओं का सैलाब उमड़ने लगा है। इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर कई तैयारियां की गई है, जिससे कि आसानी से वे दर्शन का लाभ पा पाए। नए साल के नजदीक आते ही बाबा महाकाल की धार्मिक नगरी में दूर दराज से आने वाले धर्मालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। जी हां, इन दिनों उज्जैन शहर के महाकाल मंदिर में विगत कुछ दिनों से श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ रही है। जी हां, मन में आस्था लिए 2018 को कुछ ही दिनों में अलविदा करने और बीते कुछ अच्छे दिनों के साथ आने वाले 2019 जीवन में खुशियों की बहार लाएं, बस यही कामनाओं को लेकर भक्तजनों का तांता बाबा महाकाल के दरबार में पहुंच रहा है और कई मनोकामनाओं को लेकर मत्था टेक कर अर्जी लगाई जा रही है। इधर जिला प्रशासन द्वारा दर्शनार्थियों के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। इस वक्त हम खड़े हैं राजाधिराज बाबा महाकाल के दरबार में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाकाल मंदिर में किसी भी नए दिन नए साल की शुरुआत करने से पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए जाते हैं कि आने वाला जो 2019 जो आने वाला है वो हमारे लिए अच्छा बीते और 2018 जो हमारे लिए अच्छा गया है उसके लिए भगवान बाबा महाकाल को धन्यवाद अर्पित करने श्रद्धालु आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 दिन से सरकारी शासकीय छुट्टियां यहां पर अभी जो चल रही है उसके अंतर्गत धर्मालुओं का जो यहां पर तांता जो उमड़ रहा है, पिछले 2 दिनों से श्रद्धालुओं के दर्शनार्थियों की जो भीड़ है वो काफ़ी उमड़ चुकी है और आज भी तांता लगा हुआ है बाबा महाकाल के दरबार में। शासन प्रशासन महाकाल मंदिर समिति महाकाल प्रशासन द्वारा काफ़ी सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए की गई है ताकि उन्हें दर्शन करने में काफ़ी सुविधाएं मिल सके।